चीज़ें आपने तो कहा कि बैन करना ज़रूरी है, और एक आपने कहा कि पढ़ाई होगी या नहीं होगी। हाँ, देखिए दोनों जगह राइट द मैटर, उनका अपना चॉइस है, उनकी अपनी पसंद है कि उनकी मर्ज़ी है कि वो पहन के आए या ना आए, इसमें आप और हम नहीं थोप सकते। देखिए जो पहन के आ रहा है उसका अपना चॉइस है, उसका अपना कल्चर है, उसका अपना रिलीजियस है, उसको फ्रीडम भी है इसको पहन के आने की। आप जिस जगह खड़ी हैं, जामिया इस्लामिया है, इसके नाम में भी इस्लामिया लगा हुआ है, उसके बावजूद यहाँ पर स्टूडेंट जो आती हैं वो शॉर्ट्स पहन के भी आ रही हैं, हिजाब पहन के भी आ रही हैं, बुरका पहन के भी आ रही हैं, वो उनकी अपनी चॉइस है। यहाँ पर किसी से पूछा नहीं जा रहा कि आप ये पहन के क्यों आए, कैसे पहन के आए, या उनको रोका जा रहा हो गेट पर, तो ये उनकी अपनी चॉइस है। तो अगर उनकी अपनी चॉइस है तो वो अपनी मर्ज़ी जो पहन के आएँ, आप उनको रोक नहीं सकते ना, तो इसका बैन करने का कोई मतलब लॉजिक बनता ही नहीं है। और जिस तरह कोई और ड्रेसेस पहन करके, आप जींस पहन के या शॉर्ट पहन के या कोई दूसरे कपड़े पहन करके अगर पढ़ाई हो सकती है, तो हिजाब पहनने से भी आपको क्या दिक्कत हो रही है? तो वो तो उसका अपना चॉइस है, उसको पहने दीजिए। पर जैसे क्या होता है कि लड़कियों ने ना, जब से ये बोला गया है कि आप हिजाब या बुर्का पहन के नहीं आएंगी, तब से लड़कियों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, रेशियो में गिरावट आई है। और जब पूछा जाता है तो वो बोलते हैं, इस्लाम का हवाला देते हैं कि भाई इस्लाम हमारा कहता है कि हमें हिजाब और बुर्का पहनना ही है। तो क्या इस्लाम वाकई ये कहता है कि हिजाब और बुर्का पहनना ही है हमको? देखिए इस्लाम तो कहता है कि औरत पर्दा करे और मर्द भी अपनी निगाहें नीचे रखे, ये इस्लाम ने कह दिया। आप कहते हैं कि किसी कोई लड़की को आपने बुर्का पहनने के लिए पाबंद कर दिया या उनको मना कर दिया, इसलिए वो नहीं आ रही हैं। आप ही बताइए, आप इस कैंपस में, जामिया इस्लामिया जैसे कैंपस में, अगर ये कंपल्सरी कर दिया जाए कि आपको हिजाब में ही आना है या आपको फुल ड्रेसेस में ही आना है, तो फिर तब भी बच्चियाँ बहुत सारी जो दूसरे कपड़े पहन के आती हैं वो रुक जाएंगी, तो फिर उनके पढ़ाई का नुकसान होगा। तो सीधी सिंपल सी चीज़ है कि वो उनकी चॉइस है जो पहन के आ रही हैं, और जो हिजाब पहन के आना चाहती है वो भी उनकी चॉइस है। तो आप ना ही हमें पहनने से रोक सकते हैं और ना ही हमें ना पहनने से रोक सकते हैं, दोनों उनके चॉइसेस हैं। तो उनको आज़ादी दीजिए पहनने की और ना पहनने की, उनकी आज़ादी है, उनका सम्मान कीजिए।